आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं भाजपा की। जी हां, भाजपा जो महिला पहलवानों को लेकर काफी घिरी हुई है, लेकिन अगर कर्नाटक में आप देखेंगे तो वहां जिस तरह की हार हुई है उसको शायद भाजपा पचा नहीं पा रही है। यही नहीं बल्कि अब तो सिद्धरमैया सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बड़े बड़े लोगों के यहां छापेमारियां शुरू हो गई हैं और ये शायद भाजपा को अच्छा नहीं लग रहा है। अब वहां नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नई नई बातें की जा रही हैं और एक बार फिर पूरे प्रदेश को कम्युनलाइज किया जा रहा है। वहां धरना प्रदर्शन जलसा जुलूस ये सब शुरू हो गया। एक बयान सिद्धरमैया के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आता है, उनके मंत्री हैं के वेंकटेश, उन्होंने एक बयान दिया। किस रेफरेंस में दिया, क्यों दिया, किस बात पर दिया, क्या किसी बीजेपी के लीडर का जवाब था, लेकिन उनका बयान जो कोट किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि आप भैंसों को, अगर भैंसों को मारा जा सकता है तो गायों को मारने में दिक्कत क्या है। ये उनकी तरफ से बयान आया है। मैं बयान को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, ये सब कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के वहां भाजपा आक्रोशित हो गई है, गायों को लेकर के सड़कों पर आ गई। मैं समझता हूं कि ये ठीक है। अगर वाकई गाय के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ कोई भी बयान दे रहा है तो एहतजाज जरूरी है, लेकिन अब इन्होंने जो वहां पे बातें कही है प्रोटेस्ट के दौरान उससे मामला सामने आ जाता है, उससे इनकी बंद मुट्ठी खुल जाती है। इन्होंने कहा कि अभी तक सिद्धरमैया सरकार ने जो 5 गारंटी योजनाओं की थी उसको लागू नहीं किया। ये भाजपा का वहां कहना है। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं भी, मैं आंकड़े देख रहा था गायों के लेकर कि बार बार गायों की बात भाजपा करती, गाय के मसले को उठाती है, गाय, गंगा, मंदिर, बजरंग बली, भगवान राम, ये तमाम चीजें जो हैं, जाहिर है कि ये इन पे इनकी जारादारी, ठीक है, इनकी आस्था है, सबकी आस्था है, लेकिन मैं अभी देख रहा था रिपोर्ट और बहुत लंबा, मैंने उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्ट देखी जहां बीजेपी की सरकार है और बड़ी सख्त सरकार है, यानी योगी जी जो खुद गाय को चारा खिलाते हैं, गौशालाएं बनवाते हैं, लेकिन मैंने रिपोर्ट देखी कि अलीगढ़ हो या बरेली हो या इधर आप चले जाएं बुंदेलखंड, तो यहां पे जो गौशालाएं हैं इनकी जो हालत है वो बस से बदतर है और यहां भूख और प्यास से गायें मर रही हैं। ये रिपोर्ट आप जा करके देख लीजिए, मौजूद है गूगल पे। आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि गायों की हालत क्या है तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसमें सारी रिपोर्ट जो है वो कहीं बीबीसी की रिपोर्ट होगी, कहीं आज तक की रिपोर्ट होगी, कहीं इंडिया टीवी की रिपोर्ट होगी और कहीं अमर उजाला और दूसरे जो न्यूज चैनल है और न्यूज माध्यम है उस पर आपको ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। और बहुत ही गंभीर, देखिए गौशालाएं बनाई गई बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन उनका रख रखाव तो सही होना चाहिए। ऐसी खबरें भी आई हैं कि गौशालाओं के लिए, गायों के लिए जो चारा दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, 25% भी गायों पर खर्च नहीं किया जाता, उसका घोटाला हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसको कौन देखेगा, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब चूंकि इस मामले में हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता तो इसलिए इस पर खबर भी नहीं चलेगी, इस पर कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन गायों के नाम पर लूट हो रही इतना तो तय है। अलीगढ़ की भी ऐसी ही रिपोर्ट आई और ये बात है इगलास तहसील और क्षेत्र में जो गांव है वो है ताहरपुर, ये वहां की रिपोर्ट है 2021, यहां जय श्री राम गौशाला। इसी तरीके से हरियाणा से भी काफी रिपोर्टें हैं, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश से भी काफी रिपोर्टें इस मामले में आई हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि भाजपा जो हर बात पे गाय को लेकर के निकल आती है, गंगा को लेकर के निकल आती है, गंगा की हालत जाके आप देख लीजिए, जमुना की हालत आप जाकर के देख लीजिए। मैं कुछ खास मकाम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं कि जब सैलाब आता है और या बाढ़ आती है और तब पानी साफ हो जाता है। मैं आम दिनों की बात कर रहा हूं कि जाकर के देखिए कि क्या हालत है। अभी भी गंगा में न जाने कितने नाले जो है वो गंदे नाले बह रहे हैं, क्या इसको सरकार रोक पाई? जमुना की भी यही हालत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजनीति है, फिर इन्होंने कहा कि ये जो सरकार है सिद्धरमैया की, मैं इसलिए कह रहा हूं जरूर डिमांड कीजिए, पूछिए उनसे, मैं भी पूछूंगा कि क्या बजरंग दल पर बैन लगाया गया, क्या जो वहां हिजाब पर पाबंदी स्कूलों में लगी थी क्या वो हटाई गई, क्या जो 4% का रिजर्वेशन था वो खत्म किया गया। ये सवाल भी है, ये भी वादे उन्होंने किए थे। इसके अलावा लेकिन मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं जो वहां पे शोर मचा रहे हैं, उन्होंने जो वादे किए थे, मैं 2014 से बात कर रहा हूं और 9 साल हो गए, आप अभी 90 दिन भी नहीं हुए और सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं 9 साल का हिसाब पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? ये आपका वादा था 2014 में, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। फिर दूसरा सवाल ये है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आपने वादा किया था, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, क्या दोगुनी आय हुई? 9 साल हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसके साथ ही आप ही ने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके जेब में चले जाएंगे, अकाउंट में काला धन वापस आ जाएगा। क्या 15-15 लाख रुपए गए लोगों के जेब में? कंगाल हो गए, नोटबंदी करके जो 15-15 100 रुपए भी रखे थे वो भी निकाल के बाहर कर दिए गए, और बड़ा खुश हो गए कि साहब ने बड़ा तीर मार दिया, यानी मिला कुछ नहीं चला गया। फिर आपने कहा था खिलाड़ियों के लिए कि हर नगर में एक बड़ा स्टेडियम बनेगा, क्या हर जगह बड़े स्टेडियम बन गए पूरे देश में? ये आपका वादा है, ये मैनिफेस्टो में लिखा है, आप जाकर के देख लीजिए। फिर आपने ही वादा किया था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहां कितनी बुलेट ट्रेनें चलाई हैं बताइए? हादसे पे हादसे हो रहे, रेलवे में रेल को कवच नहीं मिल पा रहा है, कार्टून बन रहे हैं कि आप कवच अडानी को दे रहे हैं, आप कवच जो है बृजभूषण शर्मा को, बृजभूषण सिंह को दे रहे हैं, लेकिन ट्रेन को कवच नहीं दे रहे हैं। आपने 22,000 करोड़ रुपए का नया पार्लियामेंट बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रेनों की हालत आपने अच्छी नहीं की, जहां पर लोग मर रहे हैं, हर रोज हादसा हो रहा है, भर्तियां आपने रोक रखी हैं, 3 लाख से ज्यादा ड्राइवरों की भर्तियां जो है वो पद खाली है, उनको नहीं भरे जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? स्टेशन मास्टरों की जगह और न जाने क्या क्या गैंगमैन जो हुआ करते थे सब आपने खत्म कर दिया। ये सवाल है, आपने क्या किया? फिर आपने कहा था 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, आप बताइए कहां 100 स्मार्ट सिटी बन गई, कहां बन गई? क्या आप उसको दिखाएंगे कि 100 स्मार्ट शहर जो है वो बन गए, सिटी बन गई है? और बहुत सारे वायदे हैं, आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या हो रहा है जंतर मंतर पर? अब तो खैर धरना हटा दिया गया है, लेकिन बेटियां डटी हुई हैं, उनको इंसाफ नहीं आप दे पा रहे हैं। आप सिर्फ धार्मिक बात करेंगे, आप भावनाओं को भड़काएंगे, जज्बात से खेलेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राजनीति इस प्रश्न की, ये बंद होनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और न जाने क्यों बीजेपी फिर कर्नाटक में वही चीजें शुरू कर दी है, जबकि कर्नाटक के मुंह की खा गई, डबल इंजन की सरकार थी, कर्नाटक में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, कर्नाटक में पीएम मोदी को चेहरा बनाकर पेश किया बीजेपी ने, सारे जो एजेंडे हो सकते थे हिंदुत्ववादी के वो सब वहां पर पेश कर दिए, इसके बावजूद मुंह की खा गए।
लेकिन अब भी राजनीति करेंगे। मैं समझता हूं कि यह राजनीति जो है इस देश में ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदेह। आप जवाब दीजिए कि आपकी सरकार ने क्या क्या कहां कहां किया है। सिर्फ आप ये बताएंगे कि साहब वो बुलडोजर बाबा बन गए, सिर्फ तोड़ फोड़ आता है आपको, जोड़ जोड़ भी कहीं दिखाइए, ठाए ठाए ही आता है कि कहीं फूल की बारिश भी दिखाइए आप। सबका साथ का नारा है तो सबको साथ लेकर के चले जाइए। ये कौन सी हुकूमत है कि एक खास तबका डरा हुआ है, लोग सहमे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि फिर जो ये राजनीति शुरू हुई वो ठीक नहीं है, और गायों की हिफाजत होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। 9 साल की सरकार हो गई मोदी जी, बड़े बड़े काम कर दिए मोदी जी ने, बड़े बड़े कानून बना दिए। आखिर जो गाय हमारी माता है उसको राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया गया? चाहिए मोदी जी को कि इसको राष्ट्र जो पशु है वो घोषित कर दिया जाए गाय माता को, लेकिन नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ से बाहर। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि सही दिशा में राजनीति होनी चाहिए और तभी देश का भला होगा, राज्यों का भला होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।